भी स्टीम चढ़ा कर किचन को क्लीन कर लिया है। बेसिन में कितना सारा बर्तन था सब देखिए मैंने धोकर रख दिया है। सुमित का जितना गंदा कपड़ा था उसको मैंने भिगो के रखा है, उसको अभी क्लीन करना है, नहाने के टाइम क्लीन करूँगी। सुमित जाने के बाद मैंने घर में पूरा अच्छे से झाड़ू लगाया, सो देखिए इसलिए मेरा पूरा रूम क्लीनिंग लग रहा है। सो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने मॉप मिक कर लिया। मॉप करने से ना और ज़्यादा क्लीन रहता है रूम। देखिए मेरे टाइल्स बहुत चमकाया, पहले जो अगर पहले एकदम जब आई थी ना उस टाइम पे अगर रूम देखते ना आप तो बोलते यक ऐसा वाला वर्ड लेके आते हैं। लेकिन ये जो कोने कोने का है ना, ये जो गाइस है ना कोने, इसमें इतना गंदा था ना, मैंने कॉस्बेट से घिसा। मैंने दो तीन फ्रेंड का ना ब्लॉग में देखा है घर का टाइल्स के ऐसे कोने कॉर्नर में ना बहुत गंदा रहता है। पता नहीं वो लोग शायद क्लीन नहीं करते या क्लीन करते होंगे, स्टेन इतना स्ट्रॉन्ग है कि छोड़ता नहीं है, ऐसा हो सकता है मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने बहुत मेहनत करके इधर का स्टेन निकाला है। और हाँ गाइस एक अच्छा बात क्या है पता है, मेरा जो इन्फेक्शन था ना बॉडी में जो रैसेज आ रहा था बहुत हद तक कम हो चुका है और नया नहीं निकल रहा है, पुराना जो है ना वो बहुत स्किन के साथ धीरे धीरे से मिल रहा है। लेकिन ये जो नॉइज़ आता है ना गाड़ी का, ये मुझे दिल को थोड़ा सा दहला देता है, कुछ पुराना यादें आ जाता है ये सब सुन के, एम्बुलेंस का पुलिस का जो हॉर्न है ना वो। सो मतलब जो पहले पुराना था ना वो दाग थोड़ा सा रह गया है, छोटा 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 ऐसा ब्लैक स्पॉट है। मैं परसों जाऊंगी फिर से चेकअप के लिए, देखते हैं फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं। आई होप मेरा रिपोर्ट अच्छा आ जाए, क्योंकि सुमित बोल रहा था ना आपके बदन में चिकन पॉक्स हुआ है ऐसा बोल रहे थे वो। लेकिन डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं और कुछ दिन दवाई देने के बाद अगर कुछ ऐसा निकलते हैं तो आई होप हो सकता है, तो आई होप हो सकता है ऐसा। तो उन्होंने परसों बुलाया है, तो अभी तो मेडिसिन चल रहा है मेरा और एक वन वीक के बाद मुझे एक एंटी फंगस वाला एक दवाई दिया है मेडिसिन, उसको खाना है। देखते हैं क्या होता है आगे। और मैं ज़्यादा ही अपने आप को मतलब हेल्दी रखना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी मैं घर जाने वाली हूँ, मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ। अभी दो तीन दिन से आप मेरे ब्लॉग में सुनोगे, जब तक मैं कोलकाता नहीं जाती हूँ आपके हर एक ब्लॉग में आप सुन पाओगे कि मैं घर जाने वाली हूँ, मैं कोलकाता जाने वाली हूँ। मतलब बाहर जो रहते हैं ना, फिर अपना गांव में जब जाते हैं ना उसका जो एक्साइटमेंट उसका जो खुशी मिलता है ना आपको बयान नहीं कर सकती। जो अपने होम टाउन से दूर रहते हैं ना वही ये चीज़ फील कर सकते हैं जैसे मैं फील करती हूँ। जो अपने घर में रहते हैं ना उनको एहसास नहीं होता है कि घर क्या होता है, जो दूर रहते हैं ना उसी को एहसास होता है घर घर होता है यार। सो नहाना हो चुका है, कपड़ा दे दिया है, सूखा हुआ कपड़ा लेके जा रही हूँ। आज ना मैंने वॉशरूम डीप क्लीनिंग किया, सो इतना सारा कपड़ा सूख गया है, रख देती हूँ, बाद में टाइम मिलेगा तो फोल्ड करूँगी। ये देखिए बेसिन को मैंने ये बेसिन को क्लीनिंग किया, ये वाला टाइल्स वगैरह सब क्लीनिंग किया। डब्ल्यूसी नहीं दिखाऊंगी गंदा लगता है। सो ये सब मैंने क्लीनिंग किया, ये जो टाइल्स वगैरह है ना ये दाग है, पहले जो रहते थे उन्होंने करके गए, तो मैं इसको अच्छे से घिसा, घिस घिस के मेरा हाथ सिकुड़ गया है। सो कुछ इस तरह से क्लीनिंग किया, पानी भर के रख रही हूँ। सो ये क्या बोलते इसको, ये नल वगैरह भी मैंने घिसा, घिसने के बाद इतना चमक रहा है, पहले तो पूरा येलो कलर का पूरा पड़ा हुआ था। सो गाइस नहा के आ चुकी हूँ और देखते हैं कैसे पंछी चीख रहे हैं। ये हम लोग बंगालियों बोलते हैं शालिक पाखी, दिखाने जाऊंगी तो उड़ जाएगा, उससे अच्छा है इसका नॉइज सुनिए, अच्छा लगता है बैकग्राउंड में। और ये पंछी अगर सांप वगैरह या बिल्ली को देख लेते इतना चीखते हैं ना तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो बिल्ली नहीं तो सांप देखा है। तो ये हम लोग चौड़ाई पक्षी शालिक पक्षी बोलते हैं, रुकिए मैं दिखाने का कोशिश करती हूँ। देख रहा है कैसे, देखिए उसको पनख लग गया, कोई तो देख रहा है।
देखिए इतना शातिर होता है ना, ये हवा का नॉइज से भी ये इसको समझ में आ जाता है कि कुछ होने वाला है। तो देखिए उसको समझ में आ गया, मैं कर्टन्स की इस तरफ से मैं दिखाने की कोशिश की लेकिन उसको भनक लग गया, ऐसे ऐसे देख रहा था सो उड़ गया। सो बैकग्राउंड नॉइज ऐसा आता है ना, बहुत अच्छा लगता है पंछियों का चिलचिलाहट। सो अभी नहा के आई हूँ, रोज वाटर लगाया और आँखों के नीचे ना काजल लगाया तो पूरा काजल स्प्रेड हो गया है। बाद में इसको ये करूँगी, आज हेयर वॉश नहीं किया। और इधर मेरा खाना अभी भी हो रहा है। सो चलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लेती हूँ, मिलती हूँ आगे ब्लॉग में, बने रहिए। आज तो बहुत सुंदर हवा दे रहा है, मुझे लगता है बारिश होने वाला है, ऐसा तो लग रहा है बादल को देखकर, नहीं पता आगे क्या होगा। गाइस जैसे कि अपने मेरा कल वाला ब्लॉग में देखा, मैंने बिरयानी बनाया था तो उसी दिन मैं शूट कर रही हूँ। ब्लॉग तो दी एंड कर दिया था लेकिन अभी मैं उसके बाद का वीडियो शूट कर रही हूँ। ये देखिए बिरयानी कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अभी मैं इसको स्टीम में चलाऊंगी क्योंकि सुमित आ रहा है और बिरयानी ना गरम गरम ही अच्छा लगता है। सुमित आ रहे हैं घर, उन्होंने कॉल किया था तो मैंने सोचा चलो बिरयानी बना लेते हैं, सॉरी बिरयानी को स्टीम कर लेती हूँ। तो स्टीम चढ़ा देती हूँ, डायरेक्ट पानी के ऊपर ही स्टीम में चढ़ा दिया है। सुमित आते आते ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। सो आप सोचोगे ना कि एक ही दिन में दो दो ब्लॉग, जी हाँ एक ही दिन में ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है ना तो मैंने दो डिवाइड कर लिया। और देखिए कपड़ा मैं लेकर रखी हूँ इधर, वो भी फोल्ड करना बाकी है, सुमित आ रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा कैमरा ऑन कर लेती हूँ। सो अभी कितना टाइम हो रहा है पता है, आज है जून का 2 तारीख और आज है संडे। सो आज मैंने बनाया था एक बिरयानी संडे। सो मैंने बनाया एक आलू बिरयानी और स्टीम पे चढ़ा के आई हूँ। सुमित ने कॉल किया था कि सुमित आ रहे हैं और अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 3:20 हो रहे हैं और मैंने बिरयानी को स्टीम में चढ़ाया है ताकि जब वो खाए ना उसको गर्म मिले। सो ये देखिए पानी छिड़क के बाहर आ रहा है, इसको इसके ऊपर डाल देती हूँ नहीं तो पूरा मेरा मैस हो जाएगा किचन। देखिए उस स्टैंड के ऊपर मैंने फिर से चढ़ा दिया नहीं तो पूरा पानी पानी हो गया इधर। सो देखते सुमित कब तक आते हैं। और बहुत प्यारा सा धूप आते हैं मेरे रूम में, विंटर में ना ये रूम में मज़ा आ जाएगा रहने में, गर्मी में थोड़ा सा परेशान होती हूँ गर्मी के वजह से। पता नहीं सुमित आया है कि नहीं, नहीं आया। अभी तक नहीं आए हैं और बाहर का वेदर बहुत प्यारा है, ज़्यादा धूप नहीं ज़्यादा ठंडी नहीं, शायद आ रहे हैं है? देखो सुमित आ गया कैमरा मैं इधर हर टाइम पोछा लगाती हूँ क्लीन करती हूँ फिर भी गंदा कर देता है सुमित। इतना खुश क्यों हो आप? अच्छा वीडियो कर रहे इसलिए वो कितना खुश है। और एक सरप्राइज है आपके लिए, मैंने क्या बोला आपको फोन में, दाल भात बना है आज, लेकिन मैंने आपका कुछ फेवरेट बनाया, बताओ क्या हो सकता है? यस सुमित का अंडा बिरयानी बहुत पसंद, बिरयानी वर्ड ही उसको पसंद है। सो मैं उसके लिए आज बिरयानी बनाया है लेकिन उसको फोन करके बोला मैंने आज आलू चोखा दाल भात बनाया है क्योंकि कंटिन्यूअसली 2-3 दिन से मैं आलू चोखा दाल भात बना रही थी। सो इसलिए सो स्टीम चढ़ाया है, स्टीम अच्छे से हो जाए वो तब तक फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद फिर गाइस मैं सुमित से रिव्यू लूंगी आज अंडा बिरयानी कैसे बन रहा है। लेकिन आज का बिरयानी कुछ अलग है, बहुत स्पेशल है, अलग है, इतना दिन सबको बना के खिला रही हूँ ना उससे अलग है। टेस्ट करूंगा जरूर, टेस्ट से पहले आप देख के ही खुश हो जाओगे। कलर मिला है कहाँ से, मिल गया आपको कलर? मैं जुगाड़ करती हूँ, मैं एक यूनिक इवेंट किया मैंने बिरयानी का, वो क्या बोलते हैं जैफरन नहीं है ना, जैफरन की वजह से मैं बिरयानी कलर लेके नहीं आ पाती हूँ लेकिन आज लेके आई हूँ। चलिए मैं उसका थाली निकालती हूँ फिर उससे रिव्यू लेती हूँ कैसा बना है।
चलिए गाइस, लेके चलती हूँ सुमित का बिरयानी के थाली। आसो, तुम्हारे तो देखा नहीं जावे ना, तुम जा अवस्था है रोज़ हो। आ जाओ, अपने आप को कवर करो, उसके बाद मैं वीडियो करूंगी। सो अपने आप को ढक लिया, अभी बताओ बिरयानी का लुक कैसा आया? सबसे पहले जबरदस्त, सामने इसको ले सकता हूँ? हाँ। वाह, आपने खाया? हाँ मैंने खाया। कलर कैसे लाया? लाया जुगाड़ करके। YouTube पे देख लेना कैसे मैं कलर लेके आई हूँ, YouTube में वीडियो कर। अब बताओ। जरूर। बम्पर सुपर डुपर। आपका नेक्स्ट देखा है? खाना बना तो कभी कभी अच्छा होता है, कभी बोलो बिरयानी बना तो अच्छा ही होता जा रहा है। ऑनेस्टली बताओ, ऐसा नहीं कि कैमरा कर रही इसलिए। मैं सच बता रहा हूँ, बिरयानी जब बना दो आप अच्छा ही बना दो। मैं झूठ बोलूंगा? पापा लोग झूठ बोलेगा? नहीं, पापा का बात नहीं है। ये कैसा बना है बताओ? बहुत बढ़िया बना है। ये फर्स्ट टाइम मैंने किया है। कौन सा मुरादीबादी टाइप का है क्या? बहुत बढ़िया बना। सुकून, आलू देखो, आलू भी अच्छे से, ज्यादा पका भी नहीं है और ज्यादा ये भी नहीं है, लेकिन ये आलू वो वाला आलू है, ज्योति आलू, जो ठंडा होने के बाद ना वो पत्थर हो जाता है, वैसा वाला आलू है, लेकिन फ्लेवर भी उसके अंदर है। फिर तो तुम्हारा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो देखो फिर बताना, अभी क्यों बताऊंगी कैसे बनाया, पूरा रेसिपी आ जाएगा। आ गया है ऑलरेडी, ये तो मेरा उसके दूसरा वाला पार्ट है, वो वाला वीडियो आ गया है, कैसे बनाया देख लेना। आप लोग भी जाकर देख लीजिएगा। देख लिया है ऑलरेडी? देख लिया है ना? हाँ, क्योंकि ये तो दूसरा पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट मैंने सो सुमित ने पास बोल दिया तो पास। सो सुमित ने अगर बोल दिया अच्छा बना है तो मतलब अच्छा बना है, वो एकदम ऑनेस्टली बोलते हैं, ऐसा नहीं कि कैमरा कर रही इसीलिए ना, इतना खाने में ही खोया हुआ है वो। अच्छा लगता है कि अगर किसी के लिए कुछ बनाओ, अगर वो ऐसे मन से खाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस चलिए मिलते हैं शाम को, आज के लिए अभी टाटा बाय बाय। गुड इवनिंग गाइज, देखिए सूरज मामा अपने घर के तरफ प्रस्थान रखा है और मैं किचन में बना रही हूँ चाय। सो मैं आ गई हूँ किचन में। सो देखिए सुमित के लिए बना रही हूँ ब्लैक टी, सुमित को ब्लैक टी बहुत पसंद है, सो इसलिए सुमित के लिए ब्लैक टी और मेरा मिल्क टी बन गया है। अभी शाम के बज रहे हैं 5, चलिए दोनों का चाय बन गया है, कोकोनट बिस्किट ये वाला उनको पसंद है। बाबू कोथा है दोबो, স্কুটিটা এখানে রেখেছ? হ্যাঁ, হয় এটা আয়নাটাও পৌঁছেনি। কি জানি এয়ারপোর্টের রাস্তা কোনটা। गुड इवनिंग गाइस, इवनिंग तो बोल चुकी हूँ फिर भी मैं बता रही हूँ, ये रहा नर्सिंग होम और हम लोग ऐसे ही निकल पड़े हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं लेकिन कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, तो आज इस रास्ते पे हम लोग जाएंगे, देखते इस रास्ते के इधर क्या है, देखना। स
रास्ता ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं इस रास्ते की इधर कौन सा रास्ता जाते हैं, पता चल जाएगा। क्या पतुपति वाला गाना गाए जा रहे हैं, ओए ओए वाला पतुपति। सो घूमते घूमते गाइस हम लोग आ गए हैं जोरहाट का बाजार में। क्या लेना है देखती हूँ, घर में आलू नहीं, आलू ले लेते हैं, साग फाग मत लियो। दो ही किलो तीरीस टमाटर, 2 किलो तीरीस, हाँ 1 किलो दे दीजिए। छोट पी आ जाचे बाबू, नेबो नेबो हम तो दादा ऑनलाइन नो तो फिर मेरे पास फोन पे है क्या। हम घूम के आ चुके हैं अपने घर। কোথায় দাঁড় করিয়েছ তুমি? দেখিয়ে ঘুম কে আনে কে টাইম না ইয়ে ফিশ মিলা মুঝে তো পাবদা ফিশ হ্যাঁ সো ছোটা ছোটা হ্যাঁ জাদা বড়া নেই হ্যাঁ। तो मैं उनको बोल रही थी कि देखो जब भी हम फीस लेने जाते हैं ना सुमित ध्यान नहीं देते, देखो कितना छोटा छोटा फीस दिया है। चलो कोई बात नहीं, इसका कल मैं एक रेसिपी बनाऊंगी। सो कितना पीस हुआ है छोटा छोटा, 1 2 3 4 5 6 पीस हुआ है उसका, 3 मेरा 3। सो इसका भी काट के रखना है। इस फीस को आप कौन से नाम से जानते हो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना। हम लोग तो इसको पापदा फीस बोलते हैं। सो कुछ इस तरह से होते हैं ये, बहुत ही आसान से क्लीन हो जाते हैं। सो इसका उतना ये नहीं होता, ये फिश का हेड और इधर का निकाल दो बस हो गया। इसका एक रेसिपी बनाऊंगी कल के ब्लॉग में आने वाला है। सो चलिए इसको क्लीन कर लेती हूँ। पता है गाइस मैं फिश को धोया, धोकर फिश को फ्राई कर रही थी, बस पावर कट हो गया। अभी आया पावर, मतलब करंट आया। सो अभी कितना बज रहा है, रात के 8:30 बज रहे हैं, तो इस टाइम पे लाइट आया, तो मैं फिर से ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, कैमरा हाथ में लिया। सो चलिए मैं दिखा देती हूँ फिश को मैंने फ्राई किया है। और रात में तो डिनर में है वो बिरयानी जो मैंने कल बनाया था, देखा होगा। तो एक ही दिन में ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, एक ही दिन में 2 डिवाइड कर लिया, मतलब ब्लॉग को डिवाइड करके बना लिया। देखिए ये है पापदा फिश, मैंने फ्राई करके रख लिया है, इसका कल रेसिपी आएगा कैसे मैं पापदा फिश बनाऊंगी, वो कल वाला ब्लॉग में देखेंगे। और इस वाले ब्लॉग को मैं डीएम करती हूँ और मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। आज के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं घर का पूरा लाइट ऑफ कर दिया, रीज़न है इधर ना बहुत इंसेक्ट आ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक एकदम डागोर डागोर। सो इधर बड़ा बड़ा को बोलते हैं डागोर डागोर, ये देख। नहीं आज तो उतना है नहीं, बारिश हुआ थोड़ी देर पहले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम बाय। अच्छा लग रहा है देख लाइट, बाय।